क्या हुआ भाई, किन ख्यालों में खोई हुई हो? अलग कहाँ है, नजर नहीं आ रही? लॉन में है वो। अच्छा, लॉन में है। आप मत जाइए ना प्लीज, वहां पर कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए उसे, बहुत परेशान है। कुछ गम ऐसे होते हैं ना जो बांटे नहीं जा सकते, बस जिए जाते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हमारी बेटी है, उसके सुख दुख में हम नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? क्यों, ऐसा क्या हुआ है? वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पलक ने मुझे बताया कि हद करते हो तुम, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं। समझ में नहीं आता, पता नहीं पलक की तकदीर में क्या लिखा है। तकदीर तो मैं दूसरों की बिगाड़ूंगा। आप रुकिए, कहां जा रहे हैं आप? सुनिए, मम्मी जी, वही हुआ जो होना था। दक्ष और पलक एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। दक्ष को हमेशा मैंने गलत समझा, पर नहीं, आज उसने साबित कर दिया है कि मेरा खून कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी रगों में भी जागीरदारों का खून बह रहा है। मम्मा, आपको पापा को नहीं बताना चाहिए था। आपने पापा को ये सब क्यों बताया? आप जानती है ना पापा को? जानती हूँ कि वो तुम्हारे पापा है और मेरे पति। आखिर उनसे हम ये सब क्यों छिपाते? क्या वजह है? एक न एक दिन तो पता लगना ही था ना। जी हाँ, जागीरदारों का खून बह रहा है उसकी रगों में, तभी इतना बड़ा कदम उठाया उसने। मजाक बना रखा है मेरी बेटी की जिंदगी को। क्या समझ रखा उसे आपने? कठपुत भी है वो। एक बात जान लीजिए आप लोग, आज के बाद आप लोगों के खानदान के साथ मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर दक्ष से कबूल नहीं करता तो उससे भी नहीं। जरा तेज चलाइए भैया, तेज चलो भैया। डरती हूँ पापा गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। पापा गुस्से में आते तो वो अपने आपे में नहीं रहते। मामा, तुम शांत हो जा। पापा है ना तुम्हारे, वो तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। वो जानती हो, बचपन में चोट तुम्हें लगती थी तो दर्द उन्हें होता था। अपनी पलकों में बैठा कर पाला है उन्होंने तुम्हें। क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए जानते हैं ना वो बेटा। पलक के लिए प्रांजलि सही है, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है वो। पलक को बहुत प्यार करता है प्रांजल, वो उसे खुश रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कोई इंसान आके मुझसे कहे मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी बेटी की शादी उससे आंख बंद करके कर दूं, ये सोचे बगैर कि मेरी बेटी उसे चाहती है या नहीं चाहती। क्यों बरखुरदार, अब प्यार की परिभाषा मुझे मत समझाओ। इतना तो मैं जानता हूं प्यार में शादी होना हो, लेकिन शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है। और शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है, दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं। एक बात जान लो, आप लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी बेटी को कुर्बानी नहीं दे दूंगा। एंड दैट्स फाइन। मुझे एक बात बताओ, तुम पलक को अपनाते हो या नहीं? नहीं, मैं पलक से शादी नहीं करूंगा।